हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सबको मतलब दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। तो फाइनली मेरा एक टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के सपोर्ट के उससे। तो ऐसे अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। एंड और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो है हमारा डोसा रेसिपी। तो आज हम घर पे बनाएंगे डोसा, तो आपको दिखाऊंगी घर पे कैसे बनता है डोसा, मतलब रेस्टोरेंट वाला फील आता है या नहीं है। तो बने रहिए पूरे व्लॉग में, अच्छे से इंजॉय करना पूरे व्लॉग को। सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कल बनाएंगे डोसा, तो हम मतलब एक रात पहले क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले हम क्या करेंगे, इसमें चावल हो गया, चावल वगैरह भिगो देंगे ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए अच्छे से डोसे के लिए। तो इसमें हम लेंगे 2 कटोरी चावल। 2 कटोरी मैंने इसलिए लिए बिकॉज मेरे घर पे खाने वालों की थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने 2 कटोरी चावल ले रखे। इसमें हम थोड़ा डालेंगे येल्लो वाली दाल, फिर थोड़ा इसमें डालेंगे हम मेथी, जिससे क्या हो इसमें जो येल्लोइश कलर है वो आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे बर्तन में डालेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल को भी हम भिगो के अच्छे से रख देंगे। फिर कल शाम को देखेंगे कितने अच्छे से भीग चुकी है, नहीं भीग चुकी है, देखें कितने अच्छे से भीगी है, नहीं भीगी है। ओके गाइज, तो ये हमने रख दिया है अलग। तो मिलेंगे आप कल सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सो जाइए। गुड नाइट गाइज। ये देखो, ये हमने कल शाम को भिगाए थे, एक दिन होने वाला है इनको पूरा कुछ घंटों में। अब ये सारा पानी अच्छे से इसको धो के, ये पानी पूरा गिरा के हम इसको अब ग्राइंड करेंगे। अब हम करेंगे इसको ग्राइंड, फिर इसको थोड़ा देर हम इसे क्या फूलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे थोड़ा पफी पफी सा हो जाए। ये है दाल जो से उड़द की दाल काली की धोने के लिए। ये हम डोसा का मसाले के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। बहुत सारे हर्ब्स है ना हमारे घर पे। तो गाइस मैं इसे जा रही हूँ ग्राइंड करने, ठीक है। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, पानी देख सकते हो, मैंने ज्यादा नहीं डाला। अब हम पीसेंगे उड़द की दाल को। अब हमने इसको अच्छे से पीस दिया है, इधर दिखाओ से। इसमें अब डालेंगे हम 3 चम्मच नमक। 3 चम्मच आते इतनी बोल, अरे छोटे चम्मच है चलेगा। नहीं, हम 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसे थोड़ा ही अच्छे से और फूल जाए, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो जब हम डोसा बनाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये है कच्चा नारियल, इसके हम बनाएंगे चटनी। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्च और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नींबू। ये हमने नारियल को कर दिया है ग्राइंड। अगर इसमें थोड़ा सा डालेंगे राई और कड़ी पत्ते, तब देखो क्या स्वादिष्ट होगी हमारी चटनी। ये है पनीर और ये है प्याज और ये है मटर। इसको हम डालेंगे आलू में मैश करके, पूरी सब्जी को अच्छे से फ्राई करेंगे इसके साथ। अब हम चटनी के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे इंडिया सरसों ऑयल, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता और थोड़ी सी राई और फिर उसके बाद इसको डालेंगे चटनी के ऊपर। और पापा जी लगे हैं दूसरी और डोसा का मसाला बनाने में, तो पापा जी का फ़ोन चले गया है। ये पापा आलू को कर रहे हैं मैश, तब इनकी करेंगे तब मैश।
लड़कियों वाला चश्मा पहन रखा आपने सबसे पहले, और पीछे का व्यू तो इतना शानदार आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऐसे इसमें कड़क नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसे इसमें हमने डाल दी लाल मिर्च, कड़ी पत्थर रहे तो दगड़े, ये हमने डाल दिया है इसमें। अब हम इस सबको कर देंगे मिक्स बढ़िया करके। इसमें हमने डाल दिया पकड़ प्याज, मटर हो गया, इतना हो गया। अब पापा जी इसमें डाल रहे हैं आलू, ये है मसाला डोसे का। क्या कम करना तैयार नहीं? अरे नहीं 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 पापा, वो हमारे वाले तवों के लिए है ही नहीं कटोरी वाला सिस्टम। ये तेल को पूरा फैलाओ, जिंदगी में फैला फैला दे। आलू अरे भाई मोटा कर दिया, तुम जब पूरा फैल जाएगा ना तब बड़ा लेना उसको। हाँ ये सही। अरे बिजली बिजली से ट्रिक नहीं लेते हो ना, कम कर कम करना नहीं, पर मेरे हिसाब से ना पापा हमें बैटर में पानी डालना चाहिए क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा है ये, है ना उनमें? हाँ गाढ़ा है, गाइज मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, बिकॉज हमारा बैटर मोटे में मोटा होते जा रहा है। दो बार हमने बनाए, दो बार हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, बट अब हम सक्सेसफुल करेंगे। बने रहिए पूरे ब्लॉग में, देखते हैं आगे के डोसे फटते हैं या बनते हैं। अरे बोलो पापा, अरे शर्मा मत, मैंने क्या बनाया हमारे डोसे बोला फटने। गाइज हम तो सीख रहे डोसे बनाने, वैसे सीखे तो हम हैं, पर ये तवे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब 2000 अभी जो है ये दो खराब हो गए पर तीसरा सेट हो गया है। अब 2000 लगाने के बाद भी जब सेट नहीं हो रहा तो अब क्या कर सकते हैं। निकाल दो बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। कुछ बोलना चाहोगे आप? बोल सकते हो प्लीज। हम तो चटनी को तैयार कर, कैसे करना है उसको, उसको करती हूँ मैं, करती हूँ। काल मिर्च को तोड़ना है क्या? इसको नहीं, उसे बीच में से काट। घसीटते रहते लेन भी बनते रहती है उसकी। इसमें क्या हो रहा है, उनका तवे में फिसलता नहीं है डोसा, हमारे इसमें फिसल रहा है। उनका वो वाला होता है जैसे तवा पुराने था ना हमारा, उस टाइप का रहता है। ये थोड़ी होता है चीनी मिट्टी टाइप का। आ जाइए डोसा खाने, देखो डोसा हो चुका है रेडी। इसमें है ये चटनी नारियल की, और इसमें हमने डाली है लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, राई। ये है डोसा। तो गाइस ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी बोले तो बिल्कुल ही, मतलब
मजा सा आ गया खाने में। ये पापा जी ने बनाए हैं, इसमें पूरे पापा और मम्मी की मेहनत है। और मेरी बेटी सिर्फ पनीर और मटर की शौकीन है। देखो हमारे साथ बहुत बड़ी पार्शियलिटी हुई है, खुद इन बुढ़ा इन बुढ़ियाओं ने इन्होंने अपने लिए स्पेशल डोसा बना रखा था। इन्होंने अपने लिए कितने पतले पतले वाले करारे करारे बना रखे, और हमारे लिए बनाए इन्होंने मोटे मोटे। क्या देना ये नानी का है, बल्कि ये गलत कर दिया आपने। अब नानी जिसका सामान है वो ही पहनेगा। हमारी मम्मी डोसा नाना को बिल्कुल डाइटली लेने लग गई है। पहले जो डर था वो सब खत्म। जुनियाल दे दियो जुनियाल। खाना खाने दे। गिर जाएगी दिविशा। कैसे दिविशा डोसा कैसे हो रहा था? किसने बनाया था? नाना ने? आपके नाना ने, मेरे तो पापा है। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ये कबाड़ी वाली टोन क्यों आई बीच में? देखो सबसे अच्छा कौन है? मैं नहीं हूँ। हाँ अतितू मैं भी हूँ। हाँ डोसा डोसा खा घूमे बेटे। बाय दिशा, बाय 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 बाय।